अभी यहाँ हो रही है हमारी इफ्तारी की तैयारी। आज जो मैं अपने किचन में बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पकोड़ा। वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी है ये, बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए जो है मैंने क्या क्या सब्ज़ियाँ ली हैं, मैंने लिया है पालक, बंद गोभी मैंने ली है आधी, हाफ मैंने बंद गोभी ली, और दो मैंने आलू लिए हैं, और हाफ गड्डी जो है मैं धनिया की ले रही हूँ। हरी मिर्ची होगी, हरी मिर्ची को हम पीस के डालेंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी सब कुछ। तो चलिए बनाते भी हैं और दिखाते भी हैं आपको कि कैसे हम लोग वेजिटेबल पकौड़ा बनाते हैं। यहाँ मैंने बंद गोभी को और पालक को कट कर लिए हैं, अभी मैं आलू भी इसमें कट कर लेती हूँ और बाकी तमाम चीज़ें भी इसमें कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तमाम सब्जियों को मैंने कट कर लिया है, आलू भी कट हो गए हैं और पालक भी, बंद गोभी भी। अब जो है इसमें मैं तमाम मसाले ऐड करती हूँ। मसालों में जो है मैंने लिए है नमक हसब ज़रूरत, जो भी आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हो, कुटी हुई लाल मिर्ची, एक बड़ा चम्मच मैंने भर के डाला है, सूखा धनिया, इसको मैं जो है अच्छी तरीके से हाथों में मसल के फिर इसको मैं डालूँगी, ज़ीरा है एक चम्मच और मीठा सोडा तकरीबन एक चुटकी के बराबर। और अब मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ, तकरीबन हाफ कप बेसन इसमें कम डलता है, बेसन कम डालेंगे हम इसके अंदर। फिर उसके बाद इसका पूरा मैटर तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ऐड कर देंगे इन पकौड़ों के अंदर। मिर्ची का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल नॉर्मल खाई जाती है तो मैंने नॉर्मल डाली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। और बाकी आगे आगे देखते जाते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। रोज़ाना एक ही तरह के दही बड़े पकौड़े ये खा के जो है ना हम तंग आ गए थे, तो आज सोचा कि आज क्यों ना कुछ चेंज किया जाए। तो आज है वही चीज़ें, दही बड़े भी होंगे, पकौड़े भी होंगे, लेकिन दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। दही बड़े जो हमारे बन रहे हैं वो मूंग की दाल के बन रहे हैं, और जो पकौड़े हमारे बन रहे हैं वो वेजिटेबल्स पकौड़ा बनेगा हमारा, क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान इसकी रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े, ये बहुत मज़े के बनते हैं। रोज़ाना न्यू तरीके से स्टाइल बनाओ तो मज़ा भी आता है इफ्तारी में और अच्छा भी लगता है। पकौड़े भी हमारे रेडी हो रहे हैं आस्ते आस्ते, देखिए कैसे क्रिस्पी हमारे पकौड़े बन रहे हैं। देखो देखें कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने हैं। अब इसी तरीके से हम तमाम अपने पकोड़ों को तैयार कर लेंगे, और क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी करीब करीब है, अब जल्दी जल्दी हम लोग अफ्तारी लगाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे।
भी लेकर आओ, खाली प्लेटें भी लेकर आओ, गिलास लेकर आओ, यहाँ रखो बीच में। ये देखें जी, तारी हमारी तैयार हो गई है। अभी दही बड़ी, अभी इसमें हमने पानी डालना है इसके ऑरेंज के अंदर, और इसके अलावा जो है फ्रूट चाट अभी हमारा रेडी हो रहा है। फ्रूट चाट भी आपको दिखाते हैं, फ्रूट चाट रेडी हो रहा है। अभी दस्तरखान लगाते हैं, वो भी आपके साथ दिखाते हैं। हाँ बोलो, मम्मी ये बन गई ना? हाँ बन गई।